हेलो एवरीवन, आज हम सेवन्थ क्लास की उड़ान कार्य पुस्तिका की वर्कशीट 4 को इसमें सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम। वर्कशीट है ये 4, और यहाँ पर एक नोटिस दे रखा है, गवर्नमेंट हाई स्कूल हिसार नोटिस। यहाँ पर देखिए डेट दे रखी है इसकी 18 मई 2022। कल्चरल वीक सेलिब्रेशन, कल्चरल वीक सेलिब्रेशन है ये, यानी सांस्कृतिक सप्ताह समारोह है, कोई सेलिब्रेशन है ये। इट इज़ टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8 that the school is going to organize a week long cultural celebration in the school auditorium from 2nd June to 8th June 2022. यहाँ पर ये कहा गया है कि 6th क्लास से 8th क्लास के बच्चों को, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है, सूचित किया जाता है कि आपके की स्कूल में 2 जून से 8 जून तक स्कूल के ऑडिटोरियम में एक लॉन्ग कल्चरल सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। द ऑडिशन फॉर दिस प्रोग्राम विल बी हेल्ड ऑन 30th मई 2022 बिटवीन 8 AM एंड 9 AM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। आगे इसने कहा है कि इस प्रोग्राम का जो ऑडिशन होगा वो स्कूल ऑडिटोरियम में 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में 30 मई 2022 को होगा। स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन डांस, सिंगिंग एंड थिएटर शुड सबमिट देयर नेम्स टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स। आगे इसमें कहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी इंटरेस्टेड है डांस में या सिंगिंग में है या थिएटर में है, वो सब अपने नाम अपने क्लास टीचर को सबमिट करा सकते हैं। आगे सिग्नेचर में यहाँ शाश्वत जो है टीचर है, कल्चरल सेक्रेटरी है ये, कल्चरल सेक्रेटरी यहाँ पर सिग्नेचर कर रखे हैं। तो बच्चों, ये है एक नोटिस। और अब यहाँ जो है एक और बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो नोटिस दे रखा है इसमें सारी बातें आप ध्यान से देखिए, जो भी लिख रखा है। डेट लिखने का तरीका भी यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से लिखते हैं, और जो भी मैंने यहाँ नोटिस में पढ़ा है उससे रिलेटेड ही यहाँ पर देखिए नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अब उनके आंसर देने हैं हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम फॉर द ऑडिशन, ऑडिशन के लिए टाइम कितना है, कितना टाइम। तो देखिए एक बार हमें नोटिस में ही जाकर देखना पड़ेगा। यहाँ पर टाइम देखिए बिटवीन 8 AM टू 9 AM आना चाहिए, है ना, बिटवीन 8 से 8 बजे से 9 बजे, यानी बिटवीन 8 AM एंड 9 AM यही टाइम दिया है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिटवीन, एक सेकेंड, बिटवीन 8 AM टू 9 AM ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। अब आगे सेकेंड क्वेश्चन जो है वो इसने पूछा है, हु कैन पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट, इस इवेंट में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन भाग ले सकता है। तो बच्चों, इसमें आया था कि स्टूडेंट्स ऑफ 6th to 8th क्लास, आगे ये क्वेश्चन में से आ जाएगा, कैन पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। यहाँ पर देखिए एक बार आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए ये रहा द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 8, है ना, ये
ये जो है आंसर उस क्वेश्चन में आ जाएगा। अब आगे इसने पूछा है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइम फॉर द ऑडिशन। तो ये दो बार रिपीट हो चुका है, देखो ये रिपीट दोबारा फिर रिपीट हो गया है, सेम क्वेश्चन है, जो आंसर वहाँ लिखा है यहाँ भी वही आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी डेज द इवेंट विल बी सेलिब्रेटेड। इवेंट जो है वो कितने दिनों तक सेलिब्रेट, वीकली है तो 7 डेज तक ही जो है ये सेलिब्रेट होगा, मनाया जाएगा 7 डेज तक, 7 डेज आ जाएगा इसमें। आगे इसने पूछा है, इन विच इवेंट डू यू लाइक टू पार्टिसिपेट, कौन से इवेंट में आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। इसमें सिंगिंग है, डांसिंग है, जो भी आपको अच्छा लगे ना तो वही आप बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं आई लाइक इन डांसिंग, या आप डांसिंग की बजाय सिंगिंग भी लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, आई लाइक टू पार्टिसिपेट इन डांसिंग या आई लाइक टू पार्टिसिपेट इन सिंगिंग, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। अब आगे है यहाँ पर देखिए एक बार, नेक्स्ट पूछा इसने, राइट ट्रू फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट, के लिए ट्रू फॉल्स लिखना है। पहला जो है फर्स्ट पूछा इसने, द कल्चरल वीक इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल प्लेग्राउंड, कि स्कूल के प्लेग्राउंड में ये कल्चरल वीक जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। स्कूल प्लेग्राउंड में था क्या, नहीं, स्कूल ऑडिटोरियम में था, है ना, तो ये फॉल्स होगा यहाँ पर। सेकंड है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th कैन पार्टिसिपेट इन द इवेंट, इस इवेंट में 10th क्लास के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, नो, ये भी फॉल्स है। 6 to 8 ही कहा इसने कि 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चे ही इसमें भाग ले सकते हैं, 10वीं के नहीं ले सकते, ये फॉल्स हुआ। थर्ड है, द सेलिब्रेशन इज़ गोइंग फॉर द होल वीक, पूरे सप्ताह सेलिब्रेशन चलेगा, हाँ सर पूरे सप्ताह चलेगा, ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, तो ट्रू के लिए हम ट्री लिख देंगे। आप पूरा ऐसे ट्रू भी लिख सकते हैं, ऐसे पूरा फॉल्स भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, वो आपकी मर्जी, क्योंकि इसने कहा भी है और ट्रू और फॉल्स ही लिखना है आपको, है ना, तो ट्रू फॉल्स पूरा लिखते हैं। स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन एथलेटिक्स ऑल्सो, इसने कहा है कि स्टूडेंट्स जो है एथलेटिक्स में भी भाग ले सकते हैं, एथलेटिक्स होते हैं गेम खेलने जो हैं, दौड़ वगैरह है, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये एथलेटिक्स में आ जाती हैं, तो ले सकते हैं क्या बच्चे भाग एथलेटिक्स में, नहीं, नो, तो ये यहाँ पर फॉल्स है, तो यहाँ इसका फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आगे आगे देखिए एक बार, आगे इसने कहा है, पूछा है सेकंड में, राइट करेक्ट आंसर इन द गिवन स्पेस, दिए गए स्पेस में करेक्ट आंसर लिखें। तो हमारा पहला है, वेयर इज़ द नेम ऑफ स्कूल मेंशन्ड इन द नोटिस, नोटिस में स्कूल जो है वो कहाँ पर मेंशन किया गया है, कहाँ किया जाता है, टॉप लेफ्ट में, इन द फर्स्ट लाइन में, बॉटम राइट या टॉप राइट, स्कूल का नाम कहाँ है इसमें नोटिस में। तो एक बार देखिए नोटिस आपको समझा देती हूँ, दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर स्कूल का नाम देखो मेंशन कहाँ पर किया गया है, गवर्नमेंट हाई स्कूल हिसार, कहाँ है ये बिल्कुल टॉप में है ना बच्चों, यहाँ पर। तो इसका जो है ऑप्शन फर्स्ट लाइन टॉप है, यहाँ पर ये वाला आना चाहिए, इन द फर्स्ट लाइन टॉप, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, विच ऑफ दीज डिटेल्स इज नॉट मेंशन्ड इन द मेन नोटिस, मेन नोटिस में मेंशन्ड नहीं है, कौन सी ऐसी डिटेल हैं जो मेन नोटिस में मेंशन नहीं की जा गई है, जैसे तो टाइम इसमें दे रखा है, वेन्यू दे रखा है, डेट भी दे रखी है, लेकिन चीफ गेस्ट के बारे में नहीं दे रखा है ना, तो ये आंसर आएगा इसका, चीफ गेस्ट। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द नोटिस, नोटिस में नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन कौन सी इन्फॉर्मेशन जिसकी रिक्वायर्ड ही नहीं है, ज़रूरी नहीं है वो, तो नेम लिखना तो ज़रूरी होता है ना, नेम ऑफ स्कूल का नाम लिखना भी ज़रूरी होता है, डेट भी ज़रूरी है, लेकिन
इसमें एज लिखनी जो है वो बच्चों ज़रूरी नहीं है, तो इसमें एज आएगा यहाँ पे। अब आगे आ जाता है इसमें द टाइटल ऑफ द नोटिस शुड बी रिटन। टाइटल जो है वो लिखा जाना चाहिए, किस में लिखा जाना चाहिए, इन कैपिटल लेटर में लिखा जाना चाहिए या इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ही नहीं है इसकी, या फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए या बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो बच्चों ऑप्शन हमारा ये आएगा फोर्थ, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, यानी पूरा कैपिटल लेटर्स में भी हो सकता है टाइटल और पहला लेटर कैपिटल भी लिख सकते हैं। एक बार देखिए नोटिस में अच्छी तरह से आपको दिखा देती हूँ मैं यहाँ पर, एक सेकंड। इसका जो टाइटल देखो, ये नोटिस है, ये इसका टाइटल है, ठीक है, कल्चरल वीक सेलिब्रेशन। तो यहाँ देखो कल्चरल का सी कैपिटल आया, वीक का डब्लू कैपिटल आया, सेलिब्रेशन का सी कैपिटल आया है ना। तो हम इस तरह से फर्स्ट लेटर कैपिटल भी लिख सकते हैं और ये जो पूरे जितने भी लेटर लिख रखे हैं वो सारे कैपिटल भी हो सकते हैं। तो ये दोनों यहाँ पर ठीक हैं, तो फोर्थ आंसर इसका ठीक रहेगा। आगे देखिए एक बार, आगे है इसमें पूछा इसने व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस। एक नोटिस के फॉर्मेट के लिए सच क्या है, फॉर्मेट के लिए क्या सच है, तो इसमें दिया है अ नोटिस शुड ऑलवेज बी इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में होना चाहिए नोटिस, या इट शुड बी पुट इन अ बॉक्स इफ़ आस्क्ड, यदि पूछा जाए तो ही बॉक्स में होना चाहिए, इट शुड बी पुट इन बॉक्स, शुड नॉट बी पुट इन बॉक्स, बॉक्स में नहीं डालना चाहिए नोटिस को, नहीं लिखना चाहिए, या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें बच्चों इसका जो सही करेक्ट जो इसका आंसर होगा वो हमारा ए होगा कि ए नोटिस शुड ऑलवेज बी इन अ बॉक्स। हमेशा जब भी हम नोटिस लिखें तो जब भी हम कोई नोटिस लिखेंगे तो उसको बॉक्स में ही डालेंगे, हमें उसका बॉक्स हमेशा बनाना चाहिए, ठीक है। तो जो है ये जो है ये बिल्कुल सही है। अब आगे है व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मेट टू राइट द डेट। डेट लिखने की करेक्ट फॉर्मेट पूछा है इसने, क्या होना चाहिए डेट, इस तरह से लिखी जानी चाहिए 23/7/2022, या इस तरह से लिखी जानी चाहिए 23 July 2022, या इस तरह से लिखी जानी चाहिए 23 और इस तरह से 7/2022, या ये जो है ऑब्लिक करके लिखी जानी चाहिए, या नन ऑफ दीज। तो बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी नोटिस लिखें और नोटिस का जो फॉर्मेट लिखें उसमें डेट इस तरह से लिखी जानी चाहिए, ये करेक्ट है 23 July। इसमें जो मंथ लिखते हैं हम, वो मंथ पूरी स्पेलिंग होनी चाहिए उसकी, जैसे जुलाई, उसके बाद फिर कोमा आएगा, फिर ईयर लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, उसके बाद हम ईयर लिखेंगे। जैसे एक बार मैं यहाँ दिखा भी देती हूँ नोटिस में, आप क्लियर हो जाएगी ये बात, आपके समझ में भी आ जाएगी। यहाँ देखिए ये डेट लिख रखी है ना, पहले डेट लिखी है, फिर मंथ लिखा है, और उसके बाद जो है ईयर आया है, ठीक। तो इस तरह से ही हमें नोटिस में लिखना चाहिए। अब आगे जो है आ जाती है, यहाँ पर है वर्कशीट 5। चलो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों, ठीक है, वर्कशीट 5 को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।